नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्स पर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि पोको का नया फोन आपको बहुत ही जल्द मार्केट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो पोको F2 ना होकर पोको F1 का ही कोई अपग्रेड वेरिएंट होगा। और इस बात को कंफर्म करने के लिए अब तो इस फ़ोन के कुछ रेंडर पिक्चर और स्पेसिफिकेशन भी बाहर आ गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस फ़ोन के बारे में बात की जाए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं लगभग 20,000 रुपये की प्राइस में कोई फ़ोन लेने की, तो आप इस फ़ोन का वेट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में और ज़्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ में लगा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि कैसा होने वाला है पोको का नेक्स्ट फोन। सबसे पहले तो आपको बता दें, कुछ लीक निकल के आ रही हैं कि इस फोन का नाम हो सकता है पोको F1 Pro या फिर पोको F1 Plus। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये होने वाला है पोको F1 का एक अपग्रेड वेरिएंट, जहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें सेम देखने को मिलने वाली है पोको F1 से, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि पोको F1 में जो सबसे बड़ा इशू था वो था इसका डिज़ाइन। जी हाँ, आप देख सकते हैं सबसे सिंपल डिज़ाइन वाला कोई फ़ोन अगर आपको देखने को मिलता है लगभग 20,000 रुपये की प्राइस में, तो वो हो सकता है पोको F1। और ऐसा लगता है कि हमने 7-8-9,000 रुपये का फ़ोन हाथ में ले रखा है। फ्रंट साइड से भी आपको एक रेगुलर नॉच देखने मिलती है जो कि काफ़ी बड़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही एक नॉर्मल सा डिज़ाइन हमको देखने को मिलता था, लेकिन अब जो नेक्स्ट फोन होने वाला है वो हो सकता है पोको F1 Pro या फिर पोको F1 Plus। इसमें आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, ये एक रेंडर पिक्चर निकल के आया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलने वाला है एक वाटर टॉप नॉच डिस्प्ले जो कि ट्रेंड है, और यहाँ पे बेजल्स और चेन भी काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं बैक डिज़ाइन की, तो वो आपको मिलता है ग्लॉसी बैक डिज़ाइन के साथ में, जैसा कि हमने अभी आसूस का ZenFone Max Pro M2 या फिर Realme के फ़ोन देखे हैं, कुछ ऐसा ही डिज़ाइन हमको इस फ़ोन में भी देखने को मिलेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं रियर कैमरा की, तो आप देख सकते हैं कॉर्नर में वो शिफ्ट हो गए हैं जो कि आपको मिलते हैं वर्टिकल शेप में। जी हाँ, ट्रेंड ही ऐसा है कि यहाँ पर कुछ नया डिज़ाइन करना ही पड़ेगा, और ऐसा ही हमें पोको का नेक्स्ट फोन देखने को मिल रहा है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में हमें कोई भी कंप्लेंट देखने को नहीं मिली थी पोको F1 में। जी हाँ, लेकिन जो स्क्रीन साइज था वो था 6.18 इंचेस का, लेकिन पोको के नेक्स्ट फोन जो कि हो सकता है पोको F1 Pro या फिर पोको F1 Plus, इसमें आपको देखने को मिल सकता है 6.3 इंचेस का स्क्रीन साइज, जहाँ पर आपको फुल HD Plus के रेजोल्यूशन देखने को मिलेंगे। और वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पर हो सकता है 19.5:9 का स्क्रीन रेशियो। बात करते हैं कैमरास की, तो बताया जा रहा है कि इस फोन में अब आपको वैसे ही कैमरा देखने को मिलने वाला है जैसा कि पोको F1 में हमको देखने को मिला था, मींस 12+5 मेगापिक्सल का एक ड्यूल रियर कैमरा सेटअप F1.9 अपर्चर के साथ में, फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का। तो कैमरास में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो वो भी आपको सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्नैपड्रैगन का 845 चिपसेट अभी भी फ्लैगशिप चिपसेट है। हालांकि स्नैपड्रैगन 855 लॉन्च हो चुका है, लेकिन सबसे पहले आपको वो देखने को मिलेगा फ्लैगशिप वाले फोन्स में, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S10 या फिर OnePlus 7, कुछ ऐसे फोन्स में देखने को मिलेगा, और उसके बाद ही ये आपको देखने को मिलेगा पोको जैसे फोन्स में। और गीक बेंच में पोको के नेक्स्ट फोन के लिए कुछ बेंचमार्क स्कोर भी लीक हुए थे, जो कि इस बात को कंफर्म करती है कि इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 845 चिपसेट ही देखने को मिलेगा। साथ में देखने को मिलेगी 6GB की रैम, हो सकता है कुछ अलग वेरियंट आपको और भी देखने को मिले। और अगर हम बात कर रहे हैं OS की, तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ बॉक्स ही एंड्रॉइड का 9 मीस पाई देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए रियर साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, और अगर हम बात करते हैं फेस अनलॉक की, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि पोको F1 में हमें देखने को मिलता था 4000mAh का बैटरी, जबकि बताया जा रहा है कि इस फोन में हो सकती है 3500 से 3700mAh की बैटरी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिलेगा अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली बैटरी की। एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च की बात करते हैं, तो कुछ लीक्स ये बताती हैं कि यह फोन आपको बहुत ही जल्द मार्केट में, कह सकते हैं कि फेब मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा, और प्राइस भी इसकी ऑलमोस्ट पोको F1 के बराबर होगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग 20,000 से लेकर 22-23,000 रुपये की प्राइस में। तो बस अब देखना यह होगा कि यह फ़ोन किस नाम से आता है, पोको F1 Pro, पोको F1 Plus या फिर किसी और नाम से, बहुत ही जल्द हमें पता चल जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छी प्राइसिंग के साथ में लॉन्च हो,
और जैसा कमाल पोको F1 ने किया था वैसा ही कमाल ये फ़ोन भी करेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में, क्या आप इस फ़ोन को लेना पसंद करेंगे, क्या आप इस फ़ोन के लिए एक्साइटेड हैं, क्या आप वेट करेंगे इस फ़ोन का, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास है और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।